जैसा कि मैं आपको अभी बता दूं कि यह जो परिणय फुके है, इन्होंने गोंदिया भंडारा जिले का विधान परिषद का चुनाव भी लड़ा हुआ है। गोंदिया भंडारा विधान परिषद का जो चुनाव होता है, यह विधान परिषद का चुनाव वहां की जो जिला परिषद है और भंडारा की जो जिला परिषद है, वहां के उम्मीदवार जो वहां के जो चुन के आए हुए उम्मीदवार होते हैं वो इन्हें वोट करते हैं। साथ ही साथ नगर पंचायत के जितने भी उम्मीदवार जो सदस्य होते हैं वो भी इन्हें वोट करते हैं। ठीक इसी प्रकार पंचायत समिति जो होती है उसका जो सभापति होता है वो इन्हें वोट करता है। यानी ये सारे वोट जो होते हैं काफी कम मात्रा में होते हैं, दोनों जिलों में लगभग 300-400 वोट होते हैं और ये 400-300 वोट लेकर यह विधान परिषद के मेंबर बन जाते हैं। तो इस पूरे मामले में एक हमारे पास वीडियो आया हुआ है, जिस वीडियो में ये जो दो लोग आपको दिख रहे हैं ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। इसमें से एक जो विजय काव्यते करके है, यह मोरगांव अर्जुनी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी है और अभी फिलहाल वह नगर सेवक भी है उसी नगर पंचायत के। और इनके बगल में जो आपको मोटा सा व्यक्ति दिख रहा है, यह जो उमाकांत ढेंगे है, यह मोरगांव अर्जुनी के भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष भी है। देखिए इन्होंने क्या कहा। एक्चुअली आपको बताता हूँ, 15 लाख किसी को दिए पहली बार। 15 लाख का आंकड़ा टोटल झूठा है। 15 लाख एक ऐसा है वो, अरे अपना कंता इलेक्शन एमएलसी का इलेक्शन ले 15-15 लाख भेटले, ऐसी वाली जो हवा है उस बेस पे वो बोल रही है। 8 लाख नहीं, ये 10 लाख मैं बता रहा हूँ ना आपको। 15 लाख नहीं दिए उन्होंने, 10-10 लाख सबको दिए। 15 लाख नहीं दिए उन्होंने, 10-10 लाख सबको दिए। 15 लाख नहीं दिए उन्होंने, 10-10 लाख सबको दिए। बता रहा हूँ आपको, 15 लाख नहीं दिए उन्होंने, 10-10 लाख सबको दिए। आपको बता रहा हूँ, पिक्चर घर पर नहीं जी ने सबको, या परिजय जी रहे वो उनके पक्ष रहे, सबका वो इनका रेटिंग था। इस पूरे वीडियो की जब आप देखते हैं तो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से विधान परिषद के चुनाव के जो वोट होते हैं वो कैसे खरीदे जाते हैं। जैसा आपने अभी देखा है कि यह जो पूरे मामले में इन दोनों ने जो अपना बयान दिया हुआ है, लगभग विधान परिषद के जब चुनाव हुए तब उस दौरान जो मतदाता थे, जो इनको जो चुनाव में जिता कर लाने वाले थे और जो विधान परिषद में इनको भेजने वाले थे, उन्हें इन्होंने परिणय फुके ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, इन्हीं के पदाधिकारी कह रहे। ये जो उमाकांत ढेंगे है, यह मैं आपको बता दूं, यह मोरगांव अर्जुनी के भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष भी है और यह लगभग राजकुमार बडोले जो कि अपने भारतीय जनता पार्टी के मोरगांव अर्जुनी विधानसभा सीट के विधायक भी है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं राज्य के, उनका यह करीबी व्यक्ति कहा जाता है। और देखिए ये करीबी व्यक्ति ही किस तरीके से बताते हैं कि हमने वोट कैसे खरीदे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उम्मीदवार को अभी विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, जो जनता उन्हें वोट करेगी, क्या अपना वो प्रतिनिधित्व चुनना चाहेगी? फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे भंडारा जिले के तुमसर विधानसभा क्षेत्र के जो कार्य मोरे, यह राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी है और इनकी क्या स्थिति है, आज इनको क्या क्या राष्ट्रवादी के टिकट्स पर चुनाव लड़ने पर इनको क्या तकलीफें हो रही है, इस बारे में जानेंगे।